अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शना। आज मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बनाना चाहता हूं उन लोगों के लिए, स्पेशली उन यूट्यूबर के लिए जो लड़कियां मतलब टमाटर को टमाटर बोलती है, जो आलू को हालू बोलती है, और ये मतलब ये वीडियो पोस्ट करके जो वो बहुत खुश होती है कि हमें लड़कों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश होकर के। इसके लिए मैंने इन लोगों को प्रूव करने के लिए मैंने एक छोटी सी और ट्रैक किया था कि आपको तो पता है कि शाहनाम जब भी आता है तो सबूत के साथ आता है। तो मैंने एक लड़की के नाम से एक आईडी बनाई सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए कि ये एक हमारे यहाँ एक और ग्रुप है ना लड़कों का ना, तो वो देखा जाए तो वो सिर्फ देखते हैं कि बस लड़की की पिक्चर है या लड़की की आवाज़ है तो सब टूट पड़ते हैं यार, उनको आपसे कोई गरज नहीं, वो सिर्फ आप वो जान लेते कि ये लड़की की आवाज़ है तो वो टूट पड़ते, तो या लड़की का पिक्चर लगा हुआ है किसी आईडी पर, तो बस मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस इवन लड़कियों की, जो लड़कियां लड़कियों को पसंद करती है उन लड़कियों की मैसेजेस मैं देखकर हैरान रह गया यार कि ये भी हो सकता है। तो आप उन लोगों को बहुत खुश होती है कि मतलब उन लोगों की अगर आप बातें सुनो ना तो ये सुनने के काबिल भी नहीं होती सही तरीके से, अगर इसके घर में बातें सुनो, लेकिन ये जब वीडियो पर आती है तो आलू को हालू बोलती है, हालू, मैं भी आलू बोलने लगा हूँ ना। तो इसके लिए मैंने तो ये फिर बहुत प्राउड फील करती है कि ये हमें मतलब मैसेजेस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। इसके लिए मैंने उसके लिए एक छोटा सा वो एक ट्रैक किया, मैंने कहा कि चले देख लेते हैं कि इन लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। दरअसल हमारे लड़कों में ऐसे लड़के हैं, मैं मानता हूँ ऐसे बहुत ज़्यादा है, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो लड़कियों की तस्वीर देख कर बस टूट पड़ते हैं ना उस पर, तो उन चीज़ों से ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये और भी अपनी बातों को मतलब मैं क्या बताऊँ आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा मैं अभी आपको अपना मोबाइल में ले जाता हूँ, अपने वो दिखा देता हूँ, मैंने एक इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई, तो चलो मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, आपको हंसी आ जाएगी। शॉर्ट सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बराए मेहरबानी अपनी इज्जतें ख़राब ना करो, ये लोग ऐसे होते हैं, ये लोग क्योंकि मिसाल मैं कुत्तों से देता हूँ, इस तरह ये कुत्ते होते हैं कि टूट पड़ते हैं, जहाँ की भी लड़की की आवाज़ देखी पिक्चर देखी तो बस लगे रहते हैं कि बस हम तो आपके आशिक बन गए। तो रियल में से कुछ भी नहीं होता, जब आपको मेरे कोई टैलेंट नहीं है सही है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू आप। अच्छा दोस्तों तो हम अभी आते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है ना, कि किस तरह लोग वो करते हैं मैसेजेस। आप आइए इंस्टाग्राम में चलते हैं, अभी यहाँ पर देखते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आईडी मैंने बनाई है इस नाम से सही है, तो आप उसमें देखो, उसके देखो बस वो पर मैसेजेस पर मैसेजेस आप इसके देख सकते हैं, वो कितने फॉलोअर्स हो गए सही है इसके। तो मैं उन बच्चियों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब एक बस नज़र का धोखा होता है सब, मतलब ये लड़कों के बस यही होता है कि वो लड़की के देख करना तो उसके पीछे बस टूट पड़ते हैं। अब देख लो लोगों के मैसेजेस देखो, अगर मैं आपको मैसेजेस दिखाने लग जाऊँगा ना तो पता नहीं कितने कितने होंगे, ये आप देख लें सही है। अभी इन लोगों ने क्या किया होता है कि कुछ लड़कियों का और कुछ अपने साथ कुछ लड़के मिलाकर तो अपने ग्रुप बना लिया होता है ना, तो उस ग्रुप में ये दूसरे को वीडियो सेंड करते हैं और वो कहते हैं कि आप मेरे वीडियो पर कमेंट करें तो मैं आपकी वीडियो पर कमेंट करूंगा। तो इस तरीके से भाई इस तरीके से नहीं चलता यूट्यूब चैनल। यूट्यूब के लिए आपके पास को मतलब टैलेंट होना चाहिए, आपकी वीडियो को तो किसी की समझ भी नहीं आ रहेगी, आप टमाटर को टमाटर टमाटर कितने देर तक है होगी, लेकिन आप बेगम हो जाओ, लेकिन इन कुछ लोगों के कमेंट्स आपको आया करेंगे, कोई मसला नहीं। ये देख सकते हैं अगर मैं ये मैसेजेस आपको दिखाऊँ तो मतलब ये ख़त्म ही नहीं होगे। मैं आपको यही कह रहा था कि कुछ लड़कियों के मैसेजेस भी इसमें आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा, तो बस मैं क्या कह सकता हूँ उन बहनों के लिए, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे, आप बहुत मतलब ये समझ ले। ये देखो रिक्वेस्ट इस मैसेज में आप देख लो तो वो भी कॉपी हैं, जो बंदों को अभी तक मैंने ऐड भी नहीं किया मतलब ऐड भी नहीं किया वो आप देख लो तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो पता नहीं, या तो मैं बिल्कुल ना समझ हूँ, इसके लाइक्स चेक करो, इसकी कमेंट्स चेक करो तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या हो रहा है इस पर ना। तो कोई इस अच्छा ना किसी को पता है कि ये कौन है कौन नहीं है, बस सब लगे रहे हो इतने प्यार भरे से मैसेज भेजते हैं कि बताएं ये
लोग जिस ये सिर्फ मेरे एक एग्जांपल बनाने के लिए किया था कि आप लोगों को पता चले कि उन स्पेशली उन बहनों को हमारे पता चले जो कि जो यूट्यूब पर अपने ग्रुप बनाकर बैठी है और अपनी मतलब आवाज़ की पर्दा को वो कर रही है कि बस बातें कर रही है वहाँ पर, मतलब इससे खुश होती है कि लड़कों ने हमें मैसेज किया है ना। आप देख सकते हैं ये भी एक लड़की है अभी ये कर रही है मैसेजेस तो अब देख लो कितने लड़कों ने मुझे मैसेज किए, तो मैं ये समझूँ कि सारे मुझ पर आशिक है, अगर मैं इसके मैसेज देखूँगी तो सारे मतलब वो लब भरे होंगे ना इन चीज़ों से। अच्छा, उस ग्रुप का एक सरदार भी है, वो भी मुझे मैसेजेस कर रहा है जिस ग्रुप को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं ये उसकी आईडी है। तो लगे रहे, बस मेरे तो यही गुजारिश है कि आप सब बचो इस सब से, और अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको राह रास्त पे लाए। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नज़र का धोखा है। मीडिया में वो बंदा आगे बढ़ सकता है जिसमें टैलेंट हो या बद किरदार हो, बस यही दो बंदे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।